गुड मॉर्निंग क्लास श्री कृष्ण चौधरी महाविद्यालय से। मैं आज आपके सामने बीए थर्ड सेमेस्टर में हमारा टॉपिक है केस स्टडी मेथड। यानी कि यदि हमें किसी व्यक्ति के पास्ट को के बारे में बहुत सारी सूचनाओं को एकत्रित करना है ताकि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं हम उनका सोल्यूशन कर सकें, तो उसके लिए सबसे बढ़िया विधि केस स्टडी मेथड है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हम एक ही स्थान पर एक ही समय, मतलब ऐसे मान के चलिए कि हम बहुत सारे लोगों का डाटा एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों से एक ही व्यक्ति के बारे में सारी सूचनाएं कलेक्ट कर सकते हैं। और चूंकि सूचनाओं का जो कलेक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है, यानी कि जो चीज़ अगर एक जगह से छूट जाए तो दूसरी जगह से कवर हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है केस स्टडी मेथड का, क्योंकि इसमें सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा है, सूचना प्राप्त करने का जो स्रोत है वो बहुत लोगों से मिल जाता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है। यहाँ पे दो डेफिनेशंस है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है। बात सिंपल सी ये है कि यदि हमें किसी व्यक्ति की लाइफ में चलने वाली प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत जटिल परिस्थितियाँ चल रही हैं और वो उनको सॉल्व कर नहीं पा रहा है, हमको करना है उसको ठीक। तो देखो, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम को समझने से पहले, जैसे पेड़ को अगर जानना है कि पेड़ कितना पुराना है तो उसकी जड़ों को समझना चाहिए। हम अगर उसकी जड़ों तक पहुँच गए तो पेड़ को हम अच्छे समझ जाएंगे। तो ऐसे ही पेड़ की, अगर जैसे प्रॉब्लम की जड़ समझ गए हम कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना बहुत आसान होता है। तो अब अगर हमें प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है तो बहुत सारी मेथड है हमारे पास। देखिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसमें लैब स्टडी आती है, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड है, प्रयोगशाला आधारित विधि है, ठीक। सेकेंड हमारी ऑब्जर्वेशनल मेथड है, वो तो और भी बढ़िया है, ठीक, अच्छी मेथड है जिसमें हम लोगों को डाटा आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। प्रश्नावली विधि है, क्वेश्चनर है ना, इंटरव्यू मेथड है, तो इतनी सारी मेथड्स हैं। लेकिन अगर हम केस स्टडी यूज करते हैं तो इसके अपने फायदे हैं, ठीक। तो केस स्टडी से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों से हमें एक ही सूचना, मतलब एक सूचना के बारे में अलग अलग एंगल से देखने को मिल जाता है। जैसे कहते हैं ना, दो लोग खड़े हैं, मान लो एक व्यक्ति को वही सेम लेटर 9 नजर आ रहा है और उसी को अपोजिट साइड में जो खड़ा है उसको 6 नजर आ रहा है। तो मतलब बात है केवल, मतलब सूचनाएं अलग अलग प्राप्त है उनको, तो अलग अलग सूचनाएं प्राप्त है तो रिजल्ट अलग अलग देंगे। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे लोगों से सूचना कलेक्शन करेंगे ताकि जब ज्यादा सूचना कलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सूचनाएं मिल जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ केस स्टडी मेथड, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या रहता है यहाँ पे, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, जैसे वो पर्सन खुद, पहला व्यक्ति पर्सन वो खुद जिसको प्रॉब्लम है, पहला पर्सन वो होता है। सेकंड उसके माँ बाप, फैमिली मेंबर, चाहे उसके दादा दादी हो, पड़ोसी बहन भाई हो, और उसके बुआ फूफा मामा, जो मतलब ऐसे, मतलब जो क्लोज हैं, जो उसी घर में हमेशा रहते हैं, जैसे मोस्टली दादा दादी, बुआ चाचा, और क्या बोलते हैं, भाई बहन, और ये हमारे माँ बाप, इतने लोग तो साथ में हमेशा ही रहते हैं। तो इतने लोग हमारे क्या हैं, वो हमारे गार्डियंस ही कहलाते हैं, ठीक। तो वो हमारे साथ रहते हैं इसलिए वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं हर एंगल से। अगला है पड़ोस, यानी कि क्या बोलते हैं, नेबर। तो आप तो जानते हैं कि नेबर भी बहुत बड़ी ताले की चाबी होता है। नेबर को बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन पता होती है जो फैमिली मेम्बर को मालूम होती है, या तो नेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि अगर कोई काम रिलेटिव में हुआ है तो फैमिली मेम्बर को पता होता है, पड़ोसी को पता होगा नहीं, तो वो रिलेटिव्स को भी मालूम होता है। तो रिलेटिव से भी बहुत सारी सूचनाएं जो हैं वो हमको मिल सकती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, यानी कि दोस्त, चाहे अच्छा हो बुरा हो, या मतलब वैसे, मतलब अच्छा दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, फ्रेंड हो, या फिर क्लासमेट्स, मतलब ऐसे फ्रेंड जैसे ही है, ठीक। तो वो, ये लोग भी सूचनाओं के बहुत बड़े स्रोत होते हैं, ठीक, बहुत अच्छे से सूचनाएं कलेक्ट करने में हमें आसानी करते हैं। नेक्स्ट है अध्यापक। तो जो टीचर है, टीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कई सालों के अंदर तक जो बच्चा है, स्टूडेंट है, टीचर के साथ टाइम स्पेंड करता है स्टडी के टाइम पे। तो टीचिंग मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग से, टाइप ऑफ लर्निंग की से, और टाइप ऑफ बिहेवियर से, इससे टीचर बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन करता है बच्चे का। वो देख कर समझने की कोशिश करता है कि इसका बिहेवियर कैसा है। तो और चूंकि टीचर तो देखिए पढ़ा लिखा बहुत होता है, तो ऐसे नैरो माइंडेड थिंकिंग उसकी होती नहीं है, तो गलत निर्णय देने के आसार बहुत कम होते हैं। लास्ट है आपका जॉब एरिया, यानी कि आपके कलीग्स, जिन कलीग्स के साथ आप वर्क कर रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके वर्क को के बारे में जानने और आपके बारे में बहुत कुछ बताने के स्रोत में, है ना। अब बात करते हैं गुणों की।
ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसका अध्ययन बहुत ही डीप लेवल तक जा सकता है। नेक्स्ट है अन्य विधियों के साथ उपयोग। तो केस स्टडी मेथड जो है वो आप किसी भी दूसरी मेथड के साथ यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही मेथड के साथ यूज़ करें, अन्य विधियाँ हमारे पास किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपराधियों के अध्ययन में उपयोग। तो जो क्या बोलते हैं, हाँ, तो समाज में चूँकि हम रहते हैं तो समाज में बहुत सारे लोग मतलब अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, अपराधी भी होते हैं, कई प्रकार के लोग पाए जाते हैं। जो लोगों की मेंटल जो स्टेज है, मेंटलिटी जो है, वो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या एक तरीके से पॉजेसिव है, एक क्रिमिनल माइंड है, तो फिर आपको उसको जानना चाहिए। तो जानने के लिए आपको उसके हर एंगल को समझना पड़ेगा। तो एंगल तो उसके फैमिली मेम्बर ही बताएंगे, है ना। तो एंगल में बहुत आसानी होती है उस व्यक्ति के बारे में बहुत हद तक समझ लेना। अगला है व्यक्ति की अतीत का गहन अध्ययन। तो हर व्यक्ति चाहता है ना कि उसके मतलब अगर किसी प्रॉब्लम को किसी व्यक्ति को दिक्कत हो रही है तो उसके पास्ट को पहले स्टडी किया जाए। पास्ट बहुत एक तरह की सही चाबी है उस ताले को खोलने के लिए जो आपके भविष्य से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है समस्याओं के निर्धारण का अध्ययन। तो समस्या किन कारणों से उत्पन्न हो रही है उनको जानना है बहुत जरूरी है, तो जान सकते हैं हम लोग। अगला है मानव के विशेष गुणों का अध्ययन। तो हर व्यक्ति की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो विशेषता उस व्यक्तित्व के बारे में डिफाइन करती हैं। और लास्ट है विशिष्ट और उच्च वैज्ञानिक विधि। मतलब अगर हम इस विधि को यूज़ करते हैं चूँकि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहता है तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं। बाकी आज हमारी जो मेथड्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं।